दोस्तों बॉलीवुड के मूवीज में ना एक ट्रेंड चल रहा है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, रोमांटिक मूवी विथ मैसेज। इस ट्रेंड में पहला मूवी है जरा हटके जरा बचके, दूसरा मूवी है सत्य प्रेम की कथा, तीसरा मूवी है बवाल, और अब चौथा मूवी है इसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इन सारे मूवीज में पता है कॉमन क्या है? पहला तो ये कि ये एक रोमांटिक मूवी है, और दूसरा ये कि ये रोमांस तो दिखाते हैं, साथ में ये एक अच्छा सा सोशल मैसेज भी देते हैं। इस ट्रेंड में बाकी जो तीन मूवी है वो तो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें जो नया मूवी आया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मुझे ये मूवी देख करके कुछ खास मजा नहीं आया। वो क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे है, रॉकी रंधावा यानी कि रणवीर सिंह एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और रानी चटर्जी यानी कि आलिया भट्ट एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। पहले रॉकी और रानी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। रॉकी रंधावा तो इतना ज्यादा उतावला है कि उनको जब कहो वो ऑन द स्पॉट रानी से शादी करने को तैयार है। लेकिन एक मिनट, जो रानी है वो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, वो इतना ज्यादा मॉडर्न है कि वो शादी से पहले फिजिकल होने के लिए तैयार है, लेकिन जब बात शादी की आएगी तो उनको आपका फैमिली पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली ओपन माइंडेड नहीं है, आपके फैमिली में लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, इसलिए वो शादी से इनकार करने लग जाती है। तो इसलिए दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना दोनों एक दूसरे की फैमिली को एक्सचेंज कर ले, यानी कि रॉकी रंधावा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, वो अब बंगाली फैमिली में जाकर रहेगा, और रानी चटर्जी जो कि एक बंगाली फैमिली की लड़की है वो अब एक पंजाबी फैमिली में जाकर के रहेगी। अब लगे हैं दोनों एक दूसरे के फैमिली को संभालने में, एक दूसरे के फैमिली को इंप्रेस करने में, और एक दूसरे के फैमिली को ये बताने के लिए कि आपकी सोच पुरानी है, आपकी ख्यालात पुराने, आप हमें एक्सेप्ट कर लो और आप लोग सुधर जाओ। अब हम जानते हैं कि ये करण जौहर की एक रोमांटिक मूवी है। इस मूवी के एंड में दोनों कपल को अब आपस में मिलना है। अब चाहे आपको इस जन्म में मिलना है या अगले जन्म में मिलना है, जिंदा मिलना है, मुर्दा मिलना है, जैसे भी मिलना आपको मिलना पड़ेगा, और मूवी के एंड में दोनों कपल मिल जाते हैं। इस मूवी से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए सोसाइटी में, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, जो कि मुझे ये मैसेज बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को भी ये मैसेज एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये मूवी इतनी अच्छी है, इसमें सब कुछ अच्छा है, इसमें इतना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, तो ये मूवी इतना एवरेज क्यों है? तो दोस्तों ये मूवी एवरेज इसलिए, इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो बॉलीवुड वाले चाहते तो और भी अच्छे ढंग से दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया अपना बॉलीवुड का सो कॉल्ड मेंटालिटी। दोस्तों इसमें फेमिनिज्म इस मूवी में इतना हाइट पे, अलग ही लेवल इस मूवी का फेमिनिज्म, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस मूवी में किस लेवल का फेमिनिज्म दिखाया गया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि आपको मैं समझा सकूं कि इस मूवी में आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। फेमिनिज्म दिखाने के लिए रणवीर सिंह से लेडी अंडरगारमेंट धूप में सुखवाते हैं, ताकि उसको पता चले कि लेडीज की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। इतना ही नहीं, उसे लेडी अंडरगारमेंट की शॉपिंग करवाते हैं, यहां तक कि उसको लेडी अंडरगारमेंट पहना करके फिटिंग का ट्रायल करवाते हैं कि भाई अगर तुमको फिट हो जाए तो हमको बता देना, फिर हमको भी फिटिंग आ जाएगा। इस सीन को देखने के बाद मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई करण जौहर तुमने जो रणवीर सिंह के साथ ये जो ट्राई किया ना, यही चीज अगर तुम आलिया भट्ट के साथ ट्राई करते तो इस मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन है ना वो आराम से डबल हो जाता, और ऑडियंस को मजा आता वो अलग। और हाँ, इस मूवी के लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आप इस मूवी को फैमिली मूवी समझ के देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए सावधान रहना होगा, क्योंकि इस मूवी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कब एक दूसरे को भूखे भेड़िए की तरह दबोचने लग जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको फैमिली मूवी समझ के रिलैक्स होकर देख रहे हो तो इस चीज के लिए भी अपने आपको थोड़ा सावधान रखना। अब चलिए थोड़ा बहुत सपोर्टिंग आर्टिस्ट की भी बात कर लेते हैं। आलिया भट्ट की दादी यानी कि शबाना आजमी रणवीर सिंह के दादाजी यानी कि धर्मेंद्र पे लट्टू हैं, वो इसलिए क्योंकि शबाना आजमी के जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन रणवीर सिंह के दादाजी यानी कि धर्मेंद्र वो क्यों शबाना आजमी के पीछे पागल है? वो भी अपनी वाइफ और फैमिली को छोड़ के उनके साथ कौन डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है? कम से कम उनके लिए तो कुछ ऐसा फ्लैशबैक स्टोरी रखो कि हम उनके साथ रिलेट कर सके। वो बस इसलिए शबाना आजमी के लिए पागल है क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो खड़ूस है, बस इसलिए। चलो मान लेते हैं करण जौहर की रोमांटिक मूवी है, हम एक्सेप्ट करते हैं ये करण जौहर का कहानी है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह के बहन के कैरेक्टर के बारे में। इस मूवी में रणवीर सिंह की बहन एक इंट्रोवर्ट टाइप की, यानी कि वो खुल के दूसरों से बात नहीं कर पाती है, अपने आप को वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। चलो ठीक है, लेकिन वो कम से कम अनपढ़ गवार तो नहीं है। वो दूसरों को अंग्रेजी में क्या बोलती है, कौन सा शब्द वो इस्तेमाल करती है, उसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसका भाई रणवीर सिंह, जिसे इस मूवी में ढेला भर का अंग्रेजी नहीं आता है, वो अपनी बहन की अंग्रेजी को इस मूवी में करेक्ट करता रहता है। मतलब कि करण जौहर ने एक से बढ़कर एक कैरेक्टर इस मूवी में जमा कर रखा है, वो भी अपने तरह। अच्छा, इस मूवी के स्टार्टिंग में एक गाना चलता है जिसमें बॉलीवुड के सारे न्यू कमर एक्ट्रेस को फीचर किया गया है। दोस्तों पता है इन सभी में कॉमन क्या है? ये सारी एक्ट्रेस बॉलीवुड के नेपोटिज्म की देन है। बॉलीवुड में और भी काफी एक्ट्रेस है, नुसरत भरूचा है, कृति सैनन है, भूमि पेडनेकर है, लेकिन नहीं, करण जौहर ने इस गाने में सिर्फ उन्हीं को फीचर किया जो उनकी औलाद है, और बाकियों से क्या लेना देना, वो सारे तो आउटसाइडर है। इस मूवी में मुझे सिर्फ तीन चीजें अच्छी लगी। पहला, इस मूवी में बॉलीवुड के बहुत सारे पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया जो कि मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा। और दूसरा, रणवीर सिंह के दादाजी यानी कि धर्मेंद्र के डेथ सीन को दिखाया गया जो कि थोड़ा इमोशनल करता है। और तीसरा, इस मूवी में वुमेन राइट का जो सोशल अवेयरनेस दिखाया गया वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। और वैसे तो ये मूवी मेरे लिए एवरेज है, बाकी आप डिसाइड कर लो, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।